मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कश्मीर फाइल्स में ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं इंडिया में जो लोगों को नहीं पता। आ जानी चाहिए थी, शायद और भी पहले आ जानी चाहिए थी ये कहानी लोगों तक। हमें गर्व चाहिए ऐसी, ये बाहर आनी चाहिए लोगों तक। कहते हैं कि अगर सच्चा प्यार हो तो वो जिंदगी में जान पूछता है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर गलत प्यार हो तो जिंदगी तबाह हो सकती है। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अर्जुन और कनिका। बहुत बहुत स्वागत है आपका निर्देशन। थैंक यू सर। अर्जुन, जिस तरीके से हम आपने देखते हैं उस तरीके से डिफरेंट पर्सनैलिटी, आपकी स्विच ऑन पर्सनैलिटी इस रूहानियत में दिखाई देती है, नफरत में किस तरीके का प्यार है? नफरत नहीं करते हैं मुझसे, प्यार ही करता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि उससे दूर भागता है, क्योंकि उसको पता कि अगर प्यार करेगा तो हो सकता है इसे नुकसान पहुँचे। और प्यार का दूसरा नाम सैक्रिफाइस भी होता है, और वो वही रूहानियत होती है कि जब आप किसी से दिल से प्यार करते हो तो ज़रूरी नहीं कि उसके साथ रह कर करो, उससे आप दूर रह कर भी कर सकते। बिल्कुल, मैंने का ये जानना चाहूँगा जिस तरीके से मैं आपकी ज़िंदगी में जान को ऐसे भी प्यार था, तो आपकी ज़िंदगी इन्हीं प्यार दो हदों की जिस तरीके से हम लोगों को प्यार किया, क्या कहना चाहिए इन दो प्यार प्यार? सॉरी, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से दो तरीके का प्यार होता है जो आपकी जिंदगी में जान फूंक देता है, हाँ। और एक ऐसा भी प्यार होता है, गलत प्यार कई बार हो जाता है, डिसीजन ऐसा होता है आपकी जिंदगी तबाह कर देता है, किस तरीके के मिक्स इमोशंस को आप कैसे देखते हैं, कौन सा प्यार और दोनों प्यार अगर आप बोलना चाहें किस तरीके का प्यार, कौन सा तबाही वाला प्यार और जिंदगी में जान फूंक देता है, कि मुझे कैसा प्यार चाहिए या किस, आप कैसे देखते हैं दोनों मिक्स इमोशंस को लेकर? दोनों खतरनाक है मतलब, लेकिन अच्छा तो वही है कि एक ऐसा प्यार हो जो आपको मोटिवेट करे, आपको और आगे लेकर जाए, आपको पॉजिटिव करे, जिंदगी जीने के लिए बनी है, डिप्रेस होकर रहने के लिए नहीं। प्यार तो वैसा ही होना चाहिए, मतलब मैं कई बार देखती हूँ कुछ लोग इस तरह के रिश्तों में बंधे होते हैं जो एक दूसरे को डिमोटिवेट कर रहे होते हैं, नीचे ला रहे होते हैं। आई थिंक ऑफ कोर्स दैट्स नॉट गुड। एंड जो आपने बोला कि दूसरा प्यार होता है जो आपको तबाह कर देता है, उससे तो मतलब भगवान बचाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये इसमें ना आपको खूब, हमारे शो में आपको बहुत खूबसूरती से हमने प्यार को कैसे तबाह करने वाला नहीं दिखाया, ना इनकी ज़िंदगी में ना मेरी ज़िंदगी में। लेकिन ऑफ कोर्स छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस तो हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं, वन साइडेड लव, उन्होंने भाव नहीं दिए, हमारे क्रश ने हमें भाव नहीं दिए, या कुछ कुछ ब्रेकअप्स हो गए, एंड वो ज़रूरी है ऑफ कोर्स ग्रोथ के लिए। तो मुझे लगता है हर तरह के एक्सपीरियंस ज़रूरी, लेकिन ये तबाही वाले से। देखिए, प्यार की इतनी लंबी डेफिनेशन उन्होंने बताई है, अर्जुन क्या सोचते हैं कि सच्चे प्यार की क्या डेफिनेशन है? प्यार में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है ऑनेस्टी। और जब आप किसी से प्यार करते हो, यू हैव टू यहाँ से आना चाहिए, अगर यहाँ से नहीं है तो फेल। और जो सबीर का प्यार है प्रिशा के लिए, वो यहाँ से है, इसलिए नहीं, इसलिए रूहानियत है क्योंकि इन स्पाइट ऑफ लविंग हर सो मच वो उससे दूर जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो उससे प्यार करेगा और उसके पास जाएगा तो उसके साथ क्या है। तो आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट लव इज ऑनेस्टी एंड सैक्रिफाइस। अगर ये दो चीज़ हैं तो love is the best thing to happen to you. बिल्कुल अर्जुन, एक जब ट्रेलर चल रहा था तो मैं देख रहा था कि एक सीन था जिसके लंबे आपके लंबे बाल थे, वो दीवानगी कैसी है, किस तरह की दीवानगी आप लगा रहे हैं? नहीं, वो जेल से निकला था इसलिए उसके लंबे बाल थे, एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ माय बेस्ट लुक्स दैट आई हैव एवर डन इन माय एंटायर करियर, कि लंबे बाल और वो दाढ़ी, और यू नो एक किरदार को एक लाइफ मिल जाती है जब लुक आपका सही आता है। तो आई थिंक सबीर के लाइफ में वो आया, और जब वो जेल से निकलता है तो
दारू पीता है, सिगरेट पीता है, सोचता रहता है पुराने प्यार के बारे में, और जब प्रिशा मिलती है, नहीं सॉरी, जब वो मूव ऑन करना चाहता है तो उसने एक ऐप पे जाता है और वो सोचता है कि यही एक तरीका है कि आप आगे बढ़ सकते हो, कि यू नो अलग अलग लड़कियों के साथ आप रिश्ता बनाओ एंड मूव ऑन करो। और उसकी एक दोस्त होती है अनु, जो आप शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा, वो कहती है कि तुम क्यों जाते हो इस ऐप पर, ये तुम ऐसे नहीं हो। और वो कहता है कि आई नीड टू मूव ऑन। सो मुझे लगता है कि हर कोई है ना एक ट्रॉमा से गुजरता है जब वो किसी अपने को खो देता है, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस इन लव। व्हेन यू गो थ्रू दैट ट्रॉमा, यू डू ऑल द रॉन्ग थिंग्स पॉसिबल इन लाइफ। जैसे जैसे मेरा ब्रेकअप हुआ था कॉलेज, तो मैं पुराने गाने, दुखी गाने, बाइक तेज चलाना, यू नो डिस्ट्रॉइंग जिसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें आप करते हो, एंड देन यू मीट समवन और आपको लगता है कि नहीं यार, यू शुड गिव योर सेल्फ वन मोर चांस एंड फॉल इन लव अगेन। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट लव, दैट यू वांट टू फॉल इन लव अगेन, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड व्हेन यू मीट स्पेशल। 19 साल की लड़की, इतनी प्यारी, इतनी बबली, एंड देन सभी मीट से इज लाइक करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ। और जिस तरीके से प्रिशा उसको अप्रोच करती है, उसको लगता है कि शायद वो प्रिशा को हार्म कर सकता है या उसे नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वो उससे दूर भागता है। और प्रिशा उसको कहती है कि नहीं, फॉर एवर इज नॉट अलाइव, और वो कहता है कि फॉर एवर इज अलाइव। तो आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अंकल जी भगवान है, समझ आया? एक डायलॉग है, अंकल नहीं बवाल है, तो क्या बोला क्या? हाँ। अच्छा, आप कैसे आ रहे हैं क्या? सब मुझे अंकल बोल रहे हैं। आप एक आपका डायलॉग है, अंकल नहीं बवाल है, वो मैं बोल बोलती मुझे मस्ती करने में मुझे मजा आ रहा है, तो उसके बाद बोलती हूँ अंकल नहीं है बवाल है। Oh no, गौरी बोलती है अरे ये अंकल नहीं है बाबा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अंकल नहीं बवाल है, आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं ये मानती हूँ कि नहीं बवाल तो है। इन्होंने प्रिशा को बहुत रुलाया है, प्रिशा शायरियाँ लिखने लग गई, मतलब इश्क में शायर बन गई थी वो, तो ऑफ कोर्स बवाल तो ही है, लेकिन गौरी अलग तरीके से बोलती है। तो मैं इनसे फ्रस्ट्रेट हो गई, क्योंकि जब भी मुझे मिलते हैं बोलते हैं कि तुम बच्ची हो, तुम क्या प्यार व्यार की बातें करती रहती हो, और मुझे बहुत हर्ट होता है कि मुझे बच्ची कैसे बोल दिया। मैं अपनी तरफ से हाँ किडो, कि मैं अपनी तरफ से बहुत समझदार हूँ, मेरी 18 प्लस एज है, मैं मुझे बच्ची नहीं बुला सकती। तो अब जब मुझे बच्ची बुलाते तो मैं इनको चिढ़ाने के लिए बोलती कि वो अंकल है खड़ूस, तो गौरी बोलती अरे नहीं ये तो बवाल है, बहुत हॉट है, ऐसे कैसे तुम इनको अंकल बुला रही हो। मैंने जिम का शॉट भी दिखाया था जी। अर्जुन एक और चीज जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने बताया कि किरदार के साथ आपने कितना खेला है, तो आपको लगता है कि ब्रदर थोड़े पीछे आपको ओटीटी पे आके इतना फ्रीडम मिला कि आप अपने इस किरदार को खुल के खेल सके? मुझे लगता है कि जो सीन्स होते हैं ना ओटीटी पे, वो लिखे ही अलग तरीके से जाते हैं, बिकॉज एसएमपी के इश्यूज नहीं होते। सो आई थिंक ओटीटी पे आपको एक फ्रीडम मिलती है कि जैसे आप दुखी हो तो आप स्मोक भी कर रहे हो, ड्रिंक भी कर रहे हो, आप सीरियल में ये सब नहीं दिखा सकते। तो आई थिंक द अप्रोच टुवर्ड्स एनी सीन इन एन ओटीटी प्लेटफॉर्म इज वे डिफरेंट फ्रॉम अ सीन, इट्स मोर रियल। सो जो कि ऑडियंस देख के आप खुद ही सोचो, इतनी सारी कहानियां आई हैं ओटीटी, इससे पहले आपने देखी थी, आपको रियलिज्म दिखता है, इसीलिए आपको वो पसंद आती है, बिकॉज फिल्म्स आर लार्जर देन लाइफ एंड सीरियल इज अगेन लाइक यू नो बंदे हुए दिखाते, सब कुछ अच्छा अच्छा या सब कुछ बुरा बुरा। ओटीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप जो है वो दिखता है। तो यही सवाल मेरा था कि जिस तरीके से जब आप सीरियल्स को लेके हम बात करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा अच्छा आपकी परसेप्शन बन जाती है कि ये तो अच्छा बेटा है, ये अच्छा होस्ट है, ये अच्छा दिमाग है, लेकिन आपको लगता है कि जब आपकी इस तरीके की सीरियल्स आएंगे जिसमें फ्रीडम आपका होगा तो इमेज का स्विच ऑन हो सकता है, वो देखेंगे अर्जुन वो कंपेयर करेंगे उस इमेज को जो आपकी सीरियल्स पे थी या ओटीटी पे थी, तो आपको लगता है स्विच ऑन हो सकता है? वो जायज सी बात है कि लोग कंपेयर करते हैं एंड यू रियली कैन नॉट चेंज दैट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट
आप अपना किरदार ईमानदारी से करो और ऑनेस्टली करो, वो कंपेयर करेंगे कि यार अपने उस शो में जैसे नागिन में उसने ये किया था या इश्क में मरजावा में ये किया था, वो ऑडियंस करती है बिल्कुल। जैसे शाहरुख खान को लोग कहते हैं कि यार उस फिल्म में ऐसा था उस फिल्म में ऐसा था, तो हम तो बहुत छोटे हैं। तो आपको लगता है एक आखिरी सवाल की जिस तरीके से अब हम कश्मीर प्राइस को देख रहे हैं, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया है और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कश्मीर प्राइस में ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं इंडिया में जो लोगों को नहीं पता, जो सिर्फ हम न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं डिबेट्स में देखते हैं, और ऐसी कई सारी मूवीज बननी चाहिए और लोगों को पता लगना चाहिए कि बिकॉज फिल्म्स डू हैव एन इम्पैक्ट इन आवर लाइफ्स, उनको पता लगना चाहिए कि हाउ इम्पॉर्टेंट दीज इशूज आर इन आवर लाइफ्स। जैसे कश्मीरी पंडित के साथ जो भी हुआ जी वो सही नहीं हुआ था, तो आज अगर उसके ऊपर फिल्म बनी हो तो हम सबको देखना चाहिए और समझना चाहिए कि ये हुआ था, वी हैव अ विजुअल अबाउट इट। पहले सिर्फ सुनते थे कि अच्छा कैसे हुआ होगा क्या हुआ होगा, जब फिल्म बनती है तो हमको पता अच्छा ये हुआ। कनिका आपका क्या परसेप्शन है? मैंने देखी नहीं है लेकिन जितने भी मेरे आसपास लोग हैं जो देख कर आए हैं या मेरी रिव्यूज पढ़ रही थी कुछ सोशल मीडिया पे भी, तो सब के ऑफ कोर्स यही कहने कि ये मूवी आ जानी चाहिए थी, शायद और भी पहले आ जानी चाहिए थी, ये कहानी लोगों तक बाहर आनी चाहिए, लोगों तक पहुँचनी चाहिए थी। मैंने सब एक्टर्स ने बहुत ही अमेजिंग काम किया, तो जैसे ही हमें यहाँ से टाइम मिलता है थैंक यू टॉकिंग टू थैंक यू टॉकिंग टू सचिन। तो ये थे अर्जुन और कनिका जिन्होंने बताया कैमरा मैन जगदीश के साथ साथ।